हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेफ्टी स्टैंडर्ड विनय फ्रेंड्स आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रेन लिफ्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर्स के बारे में तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ क्रेन यानी कि क्रेन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं या क्या होते हैं तो आपको बताना है बूम सीलिंग सेकल एंटी ट्यूबलग डिवाइस आउट रिगर एक्सलरी हॉस्ट पुली वेव सीलिंग और एल यानी कि लोड मोमेंट इंडिकेटर ये सारा जो है क्रेन का पार्ट्स का नाम है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रेन आपको बताना है देर आर टू टाइप ऑफ क्रेन पहला होगा मोबाइल क्रेन और दूसरा होगा स्टेशनरी क्रेन मोबाइल क्रेन में हो जाएगा ट्रक माउंटेड क्राउलर ऑल टेरन एंड हाइड्रा क्रेन स्टेशनरी क्रेन में हो जाएगा टावर क्रेन गेंट्री क्रेन फ्लोटिंग क्रेन रेल रोड क्रेन और ईओटी क्रेन उसके आगे आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर ए क्रेन लिफ्टिंग आपको बताना है क्रेन पोजिशन ऑन द फॉर्म एंड लेवल ग्राउंड विथ आउट रिगर फुली एक्सटेंडेड एंड प्लेस्ड ऑन आउट रिगर पैड यानी कि आपको क्रेन ऐसे लेवल पे लगाना है जिसका ग्राउंड लेवल अच्छा हो और आउट ट्रीगर आपका फुली एक्सटेंड होना चाहिए और उसके नीचे आपको आउट रिगर पैड लगा होना चाहिए टायर्स आर ऑफ द ग्राउंड यानी कि आपके जो टायर है वो ग्राउंड से उठे हुए होने चाहिए सर्टिफाइड रिगर्स एंड क्रेन ऑपरेटर आपके क्रेन ऑपरेटर और रिगर जो भी हैं वो सर्टिफाइड होने चाहिए सेफ रोड इंडिकेटर इज वर्किंग यानी कि जो आपका एस होता है क्रेन में वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए इंस्पेक्ट द क्रेन लीकेज बिफोर लिफ्टिंग यानी कि एवरी लिफ्टिंग से पहले आपको क्रेन में ये चेक करना है कि किसी भी प्रकार का लीकेज नहीं होना चाहिए द लोड वेट इज़ कन्फर्म एंड इज़ विथ इन द सेफ वर्किंग लोड लिमिट ऑफ द क्रेन यानी कि जब भी आपको लोड उठाना है तो आपको ये कन्फर्म करना है कि मटेरियल का वेट कितना है और उतना आपका क्रेन का कैपेसिटी एच डब्ल्यू एल बन रहा है कि नहीं सेफ्टी डिवाइस आर नॉट बाई पास यानी कि आपको लिफ्टिंग के समय किसी भी प्रकार का सेफ्टी डिवाइस को बाईपास करके काम नहीं करना है द स्विंग रेडियस इज़ बेरिकेटेड एंड नो अनऑर्थोराइज एंट्री इन द लिफ्टिंग जोन आपके जितने भी स्विंग रेडियस है उस एरिया को आपको बैरिकेड करना है और किसी भी ऑनऑर्थोराइज पर्सन को लिफ्टिंग जोन में एंट्री नहीं होने देना है लिफ्टिंग टूल्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट जो भी आपने टूल्स यूज़ किया है लिफ्टिंग से रिलेटेड उसमें किसी भी प्रकार का डिफेक्ट नहीं होना चाहिए वाइंड स्पीड अप टू थर्टी टू किलोमीटर पर आवर इज़ परमिशिबल वाइल्ड लिफ्टिंग यानी कि लिफ्टिंग के समय ज़्यादा से ज़्यादा थर्टी टू किलोमीटर पर आवर जो है वाइंड स्पीड होना चाहिए रिगिंग प्लान फॉर ऑल क्रिटिकल लिफ्टिंग एक्सेट्रा यानी कि किसी भी प्रकार का क्रिटिकल लिफ्टिंग है तो आपको रिगिंग प्लान बनाना है वो आपका वो जब भी लिफ्टिंग करेंगे तो आपके पास होना चाहिए तो ये था हमारा कुछ ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स जो क्रेन से लिफ्टिंग करते समय हमको चाहिए होता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है हाउ आर सीलिंग इंस्पेक्टेड तो आपको बताना है ऑल सीलिंग मोस्ट बी इंस्पेक्टेड बिफोर एवरी यूज एंड प्रियोडिगली यानी कि हमें सभी सीलिंग को हर बार यूज करने से पहले जरूर इंस्पेक्शन करना चाहिए इट शुड बी इंस्पेक्टेड थ्रूली एंड बी रिजेक्टेड इफ फाउंड वेयर द वन थर्ड द ओरिजिनल आउटसाइड डायमीटर ऑफ आउटसाइड इंडिविजुअल वायर्स यानी कि आपको इस प्रकार से चेक करना है निरीक्षण करना है या ऐसा निरीक्षण होना चाहिए या अगर आप पाते हो कि किसी भी प्रकार का उसमें घिसाव या कोई वायर बाहर आ गया हो या एक तिहाई से ज़्यादा वो घिस गया हो तो आप उस सीलिंग को उस टूल्स को आप रिजेक्ट कर सकते हो सेवर क्रोजन किसी भी प्रकार का क्रोजन है तो उसको आप इंस्पेक्शन के दौरान चेक करोगे डिस्टर्सन जिसमें होता है किंकिंग क्रॉसिंग बर्ड केजिंग अगर आपके वायर में किसी भी प्रकार का गाट हो गया है या मुड़ गया है या बर्ड केज के जैसा अगर उसमें से खुल गया है तो उसको आप इंस्पेक्शन के दौरान वो सब चेक करोगे ब्रोकन वायर किसी भी प्रकार का टूटा हुआ वायर फाउंड होता है उसमें आपके सीलिंग में तो उसको आप इंस्पेक्शन के दौरान रिजेक्ट कर सकते हो पुली आईज स्प्लाइसेस आपके पुली में उसका जो आई होता है किसी भी प्रकार का उसमें कटाफटा या डैमेज दिखाई देता है आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो हिट डैमेज अगर आपका सीलिंग हिट के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो भी आपको चेक करना है डिफॉर्मेशन ऑफ वायर एंड एस्ट्रेंड उसके बाद है कलर कोडिंग एक्सेट्रा आपके जो भी सीलिंग है उसको कलर कोडिंग भी आपको इंस्पेक्शन के समय चेक करना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ वर्किंग रेडियस आपको बताना है इट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि यह या अत्यधिक दूरी है वेयर द क्रेन बूम हैज टू रीच जहाँ आपका क्रेन का बूम पहुँचेगा फॉर लिफ्टिंग और लोअरिंग द लोड किसी भी लोड को उठाने के लिए या लिफ्टिंग करने के लिए आगे का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वाट आर द सेफ्टी डिवाइसेस इन क्रेन यानी कि क्रेन के अंदर में किस प्रकार का या क्या क्या सेफ्टी डिवाइस होता है आपको बताना है एंटी ट्यूबलेट डिवाइस एनिमोमीटर लिमिट स्विच और लेवल इंडिकेटर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वाट इज लोड चार्ट आपको बताना है यह एन ग्राफिक डिवाइस टू इंडिकेट द अमाउंट ऑफ ऑर्थोराइज वर्क एट टू बी परफॉर्म बाई ए मशीन यानी कि यह एक ऐसा ग्राफिक उपकरण है जो यह बताता है कि मशीन को कितना अधिकतम कार्य किया जाना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ पी डब्ल्यू ए डब्ल एस आपको बताना है पी डब्ल्यू ए डब्ल एस मीन्स अप्रोक्सीमेटली वार्निंग अलार्म सिस्टम इट इज इंस्टॉल इन हैवी इक्विपमेंट लाइक एक्सकेवेटर बुलडोजर एक्सेट्रा सिस्टम ऑटोमेटिकली गिव अलार्म एनी बॉडी कम इन टच विद इन फाइव मीटर यानी कि पास का मतलब प्रोक्सीमेटली वार्निंग अलार्म सिस्टम होता है इसे किसी भी भारी उपकरण जैसे खुदाई करने वाला मशीन बुलडोजर आदि में लगाया जाता है यह सिस्टम पाँच मीटर के दायरे में किसी के संपर्क में आने पर अपने आप हाँ वो अलार्म बजा देता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस विच इंडिकेट द क्रेन बूम एंगल यानी कि उस डिवाइस का क्या नाम है जो क्रेन का बूम एंगल इंडिकेट करता है या बताता है तो आप उसको बोल सकते हो बूम एंगल इंडिकेटर नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज टेंडम लिफ्टिंग ए लिफ्ट इन विथ टू क्रेन आर यूज फॉर लिफ्टिंग इज कॉल्ड टेंडम लिफ्टिंग यानी कि कोई भी ऐसा लिफ्ट जिसमें हम एक से अधिक क्रेन का यूज करते हैं उसे हम टेंडम लिफ्टिंग बोलते हैं अगला क्वेश्चन आपका हो सकता है व्हाट इज़ वर्किंग लोड लिमिट डब्ल्यू एल एल वर्किंग लोड लिमिट इज द मैक्सिमम एलावेबल लोड यानी कि वर्किंग लोड लिमिट एक अधिकतम अलाउ लोड है या कैपेसिटी है विच रिटर्न ऑन लिफ्टिंग गेयर जो सभी लिफ्टिंग गियर्स पर लिखा रहता है अगला क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं वाट इज द वाइंड स्पीड लिमिट ड्यूरिंग लिफ्टिंग और रिगिंग यानी कि लिफ्टिंग या रिगिंग के समय वाइंड का स्पीड जो है उसका स्पीड लिमिट कितना होना चाहिए तो आप बता सकते हो थर्टी टू किलोमीटर पर आवर इफ़ द दाइंड स्पीड एब लिफ्टिंग विल बी स्टॉप यानी कि अगर थर्टी टू किलोमीटर से ऊपर वाइंड स्पीड है तो आप ट्रेन को स्टॉप कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू पर पूछ सकते हैं व्हाट इज डिफरेंट टाइप ऑफ सीलिंग यूज फॉर लिफ्टिंग यानी कि लिफ्टिंग के समय हम कितने प्रकार का सीलिंग का यूज़ करते हैं आप बता सकते हो सिंथेटिक या नाइलॉन वेब सीलिंग सेकेंड है वायर ऑफ सीलिंग और तीसरा एक जो यूज करते हैं हम लोग चैन सीलिंग तो यही मैंडेटरी थ्री सीलिंग है जिसका हम यूज़ करते हैं अपने साइट पे किसी भी लिफ्टिंग के दौरान फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं सेफ्टी से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप उस वीडियो से लाभ उठा सको वाट इज द मैक्सिमम वाइंड स्पीड फॉर वर्किंग एट हाइट यानी कि वर्किंग एट हाइट पर काम करते समय जो मैक्सिमम वाइंड स्पीड है वो कितना होना चाहिए आप बोल सकते हो थर्टी सेवन किलोमीटर पर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ मेन बास्केट आप बता सकते हो इट शुड बी डिजाइन फॉर ए फेब्रिकेटेड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड यानी कि यह एक, एक डिज़ाइन किया जाता है फेब्रिकेटेड किया जाता है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड उसमें रहता है हैव थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट मेन बास्केट का जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट रहता है टू गाइड ड्रॉप उसमें गाइड ड्रॉप रहता है डैमेज फ्री लिफ्टिंग गियर्स उसमें जो भी गेयर्स है वो डैमेज फ्री होता है द लोड बेरिंग कैपेसिटी शुड बी रिटेन ऑन द मैन बास्केट यानी कि उसका कैपेसिटी कितना है वो उसके बास्केट के ऊपर ही लिखा रहता है सेकल विथ कॉटर पिन शुड बी यूज जो भी सेकल है उसको कॉटर पिन यूज होना चाहिए सर्टिफाइड रिगर जो भी उसमें काम करेंगे उस सर्टिफाइड रिगर होना चाहिए और लिफ्टिंग प्लान भी होना चाहिए नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ क्रेन एक्सीडेंट यानी कि क्रेन के साथ एक्सीडेंट होने का मूल कारण क्या है आप बता सकते हो इम्प्रोपरली यूज़ ऑफ आउट रिगर यानी कि आउट रिगर का सही तरीके से यूज ना करना ड्रॉप्ड लोड्स यानी कि किसी भी लोड का गिर जाना रिगिंग फेलवर रिगिंग फेलवर हो जाना ओवर टर्न क्रेन यानी कि क्रेन ओवर टर्न हो जा पलटी हो जाना बूम कोलेप्सिंग आपका बूम टूट जाना बूम कोलेप्स हो जाना इम प्रोपर डिसमेंटलिंग और असेंबलिंग ऑफ द क्रेन एक्सेट्रा यानी कि आप किसी टावर क्रेन का डिसमेंटलिंग कर रहे हो अगर सही तरीके से नहीं करोगे तो भी एक्सीडेंट हो सकता है या असेंबलिंग कर रहे हो सही तरीके से नहीं कर रहे हो तो भी एक्सीडेंट हो सकता है इट इज़ सैडली दैट जस्ट अबाउट इलेवन परसेंट ऑफ द एक्सीडेंट रिलेटिंग टू क्रेन आर कॉज बाई सम काइंड ऑफ मैकेनिकल फेलर यानी कि हमारे साइड पे ग्यारह परसेंट जो क्रेन एक्सीडेंट होता है वो क्रेन का जो है मैकेनिकल फेलर के कारण ही होता है नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है व्हाट आर लिफ्टिंग एसेसरीज आप बता सकते हो फाइबर रोप सीलिंग या सिंथेटिक या नाइलन उसके बाद है चैन सिंगल और मल्टीपल लेग जो चैन सिलिंग होता है उसमें सिंगल भी होता है और एक से ज़्यादा भी उसमें रहता है हुक्स आई बोल्ट स्प्रेडर बीम और मैग्नेटिक और वैक्यूम डिवाइसेस ये जो भी है ये लिफ्टिंग एसेसरीज है तो जब भी आपसे इंटरव्यूअर ऐसा सवाल करते हैं लिफ्टिंग एसेसरीज के बारे में तो आप ये सारा जवाब उनको दे सकते हो वाट इज़ लिफ्टिंग प्लान कॉम्प्रिशस अबाउट आप बता सकते हो ए लिफ्ट प्लान इज प्रिपेयर्ड ऑफ आइडेंटिफाइड फॉर एवरी लिफ्ट उसमें आप बता सकते हो दो कॉम्पिटेंट पर्सन प्लानिंग द लिफ्ट यानी कि कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन उस लिफ्ट के लिए प्लानिंग करते हैं उसमें कैलकुलेशन करते हैं इक्विपमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है वो उसमें बताते हैं पर्सनल रिक्वायर्ड एंड देयर पर्टिकुलर रोल्स यानी कि उसमें कौन से पर्सन काम करेंगे किसका क्या रोल रहेगा स्टेप बाई स्टेप इंस्ट्रक्शन देंगे कि इसके आगे हमें क्या करना है कम्युनिकेशन मेथड टू बी यूज एक दूसरे से कम्युनिकेशन होना चाहिए कॉन्टीजेंसी एंड रेस्क्यू प्लान आपको रेस्क्यू प्लान भी उसमें रहना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है व्हाट आर हजार्ड्स ऑफ लिफ्टिंग आप बोल सकते हो सस्पेंडेड लोड क्रेन कोलेप्स यानी कि क्रेन का कोलेप्स हो जाना फाइल ऑफ लोड किसी भी मटेरियल को फॉल हो जाना डैमेज टूल्स एंड टेकल्स डैमेज टूल्स और टेकल्स का यूज करना भी हजार्ड है इम्प्रॉपर सिग्नलिंग जो भी सिग्नल मैंने वो प्रॉपर तरीके से सिग्नल ना देना ऑन ईवन ग्राउंड कंडीशन जहाँ भी आपको करेन से काम करना है वहाँ का ग्राउंड लेवल ऑन ईवन है एडजेसेंट एंड नियर बाई स्ट्रक्चर किसी भी प्रकार का अगर नियर बाई स्ट्रक्चर है वो भी एक तरीके का हजार्ड है ओवरहेड लाइन हजार्ड हो सकता है मैकेनिकल फेल्योर सबसे बड़ा हजार हो सकता है इम्प्रॉपर रिगिंग किसी भी मटेरियल को रिगिंग करना है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा वो भी एक तरीके का हजार्ड है ऑनकन्ट्रोल मूवमेंट ऑफ लोड यानी कि जो भी आपका लोड है उस पर किसी भी प्रकार का कंट्रोल ही नहीं है आपका तो वो भी एक तरीके का हजार्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है व्हाट आर द कंट्रोल मेजर ऑफ लिफ्टिंग यानी कि लिफ्टिंग का कंट्रोल मेजर क्या है आप बता सकते हो परमिट टू वर्क यानी कि परमिट टू वर्क होना चाहिए लिफ्टिंग प्लान आपके पास होना चाहिए डेली इंस्पेक्शन जो भी आपका टूल्स है मशीनरी है उसका डेली इंस्पेक्शन होना चाहिए बेरिकेडिंग एंड साइन बोर्ड जहाँ भी आपको काम करना है तो कंट्रोल मेजर में आप उस एरिया को बेरिकेड कर सकते हो साइन बोर्ड लगा सकते हो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एंड कलर कोडिंग ऑफ क्रेन टूल्स एंड टेकल्स जो भी आपका क्रेन है टूल्स है टेकल्स है उसका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होना चाहिए और कलर कोडिंग होना चाहिए थर्ड पार्टी सर्टिफाइड क्रेन ऑपरेटर रिगर रिगिंग सुपरवाइजर एंड रिगर्स यानी कि आपके क्रेन ऑपरेटर का भी टीपीआई होना चाहिए रिगिंग सुपरवाइजर का भी होना चाहिए और रिगर का भी होना चाहिए ओनली ट्रेंड एंड अप्रूव रिगर सेल गिव द सिग्नल जो भी ट्रेंड सिग्नल मैन है या रिगर है वही सिग्नल दे सकते हैं क्रेन सेल भी पोजिशन अवे फ्रॉम द एडजस्टिंग स्ट्रक्चर एंड ओवर हेड पावर लाइन कहीं भी आपको क्रेन पोजिशन करना है लगाना है तो आपको नियर बाई स्ट्रक्चर से थोड़ा दूर रखना है या ओवर हेड पावर लाइन से भी दूर रखना है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ द क्रेन आपके क्रेन का रेगुलर मेंटेनेंस होना चाहिए डो नॉट स्टैंड और स्टे अंडर द सस्पेंडेड लोड कोई भी सस्पेंडेड लोड के अंदर ना खुद खड़ा होना है और ना किसी को खड़ा होने देना है आउट ट्रिगर सेल भी कम्पलीटली एक्सटेंडेड यानी कि जो भी क्रेन का आउट रिगर है वो फुल्ली एक्सटेंड होना चाहिए सेफ्टी डिवाइस सच सर्जेस एंटी ट्यूब्लग डिवाइस एनिमोमीटर लिमिट स्विच एंड लेवल इंडिकेटर सेल भी इंस्टॉल इन क्रेन यानी कि आपके क्रेन में एंटी ट्यूब्लग डिवाइस एनिमोमीटर लिमिट स्विच लेवल इंडिकेटर इंस्टॉल होने चाहिए क्रेन शुड भी पोजिशन ऑन द लेवल ग्राउंड एंड आउट रिगर सेल भी प्लेसड ऑन द आउट रिगर पैड यानी कि क्रेन आपका जो भी है लेवल ग्राउंड पे पोजिशन होना चाहिए और आउट रिगर जो भी है वो आउट रिगर पैड पे होना चाहिए टू टेग लाइन सेल भी यूज बहुत सारे जगह पे आपने देखा होगा कि एक रस्सी एक टेगलाइन बांध के मटेरियल को उठा लेते हैं लेकिन हमें दो टेग लाइन यूज करना मैंडेटरी है नेसेसरी है हमें यूज करना चाहिए ये हो गया हमारा कंट्रोल मेजर लिफ्टिंग के दौरान नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डिस्क्राइब द रिगिंग लोड कैपेसिटी ऑफ रीगर्स ऑफ ऑल लेवल्स यानी कि जो भी रीगर के लेवल होते हैं उसमें किस लेवल के रीगर का जो भी है रिगिंग लोड कैपेसिटी क्या होना चाहिए जैसे आप बता सकते हो रिगर लेवल वन का जो रिगर है वो है रिक्वायर्ड फॉर लिफ्ट ओवर फोर्टी टन यानी कि जो रिगर लेवल वन है वो रिक्वायर्ड होता है फोर्टी टन से एब जो भी लोड है उसको रिगिंग करने के लिए जो रिगर लेवल टू होता है कांट रिग लोड ओवर फोर्टी टन जो रिगर लेवल टू में होते हैं वो फोर्टी टन से कम वेट वाले मटेरियल को रिगिंग करेंगे और जो रिगर लेवल थ्री होते हैं कॉन्ट रिग ए लोड ओवर फोर टन यानी कि जो रीगर लेवल थ्री होते हैं वो दस टन से हैवी मटेरियल को लिफ्टिंग नहीं कर सकते हैं तो आप उनको रीगर लेवल वन रीगर लेवल टू और रीगर लेवल थ्री के बारे में आपके इंटरव्यूअर को बता सकते हो फ्रेंड आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत